सवाल के जवाब आ जाए दस्तक के बाद कुछ साहिर। अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, वंस अगेन वेलकम बैक। मिसेस अली की टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आपका बहुत जबरदस्त टॉपिक है, इस कदर इंफॉर्मेटिव, इतना अच्छा, आप ऐसे ही टॉपिक्स भी किया करें। थैंक यू। और दूसरे मुझे ये कहना है, इतनी बहस सुन के मुझे थोड़ा सा जरा से यह करना था कि जब अल्लाह ने दुनिया को पैदा करना चाहा तो उसने कुल कह दिया, और कुल कहने से फिर वो फयकून, वो हो गई कायनात और दुनिया पैदा, तो क्या लम्या के कहने से ऐसा मौका दोबारा नहीं आ सकता कि थोड़ी देर में सब चीजें फना हो जाए? और फिर जब माया की इतनी पेशिंग हुई है, दुरुस्त साबित हुई है, तो क्या ये नहीं हो सकता कि इसमें भी ये भी दुरुस्त हो? और मेरा दूसरा सवाल आदि साहब से बड़े अदब के साथ ये है कि जहाँ कुरान शरीफ में पैगम्बरों का हजरत इब्राहिम का जिक्र आता है और उसमें ये लिखा है कि बेशक वो सवाली ही हुए थे, तो वहाँ बदल किस भी आता है, यानी जमाने के साथ थोड़े से लफ्जों में तब्दीली आ जाती है, कि आप जिनके के लिए कपिल वस्तु के गौतम बुद्ध को नहीं मानते हैं और उनको पैगंबर मानते हैं या नहीं मानते? मैं गौतम बुद्ध को हक की तलाश में निकला हुआ शहजादा मानता हूं, और उनकी मार्फत का कमाल आमद मुस्तफा की बिशारत मानता हूं। और जहां मैंने आदम अलैहि सलाम की बात की थी, अभी आपने देखा कि इराक तक बात पहुंची, और इराक में फिर वो आदम सानी हज़रत नूह अलैहि सलाम है, जिनकी कश्ती में जो लोग बचे थे, जो सामान बचा था, उसे दोबारा जिंदगी शुरू हुई। अल्लाह ताला ने फरमाया सब कुछ हो गया कुन। और ये भी बताऊं, आप मुझे नहीं बता सकेंगी कि कुन किससे कहा, जब कोई था ही नहीं तो किससे कहा कुन? कयामत कब आएगी मेरे हुजूर को इल्म है, लम्हे कुन की सदा हुजूर जानते हैं। कुन या मोहम्मद कहा, पहले हुजूर के नूर को पैदा किया, तो हुजूर कहां थे? इल्म इलाही में थे। तो मैं तो बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला कोशिश कर रहा हूं एक आम मुसलमान होने की हैसियत से और सबको एक नुक्ते पे लाने की हैसियत से। आप इस पे हैरत नहीं होंगी कि मैं हिंदू में लफ्ज नहीं कहना चाहता, वो लफ्ज क्या शुतरी क्या शुरती शुरती हिंदू का लफ्ज नहीं है, ये तो अंग्रेजों ने आके इंडिया बनाया, इसका नाम भारत था, और वो शुरती थे, और फिर उसमें भगत होते थे जो उस जमाने के अल्लाह वाले सब तलाश में। तो गौतम बुद्ध जो है, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन एक मुसाफिर है, एक मंजिल भी पहुंचा हुआ है। और जब अम्बिया अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो हम सारे नबियों पर ईमान लाते हैं, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इतना दिया। मुझे एक आयत पढ़ने दीजिए, मैं बहुत कम कुरान पढ़ा मैंने, ओके, सूरह तकवीर में अल्लाह तीसरे पान फरमाया वमा हुआ अलल गैब बिदनीन, मेरा रसूल गैब जानता ही नहीं है, जो पूछो वो बताएगा। तो जैसा आपने पेशन गोया सरकार की भी सरकार ने जो आसार बताए हैं, तो पेशन गोया वो लफ्ज बड़ा लफ्जा अल्फाज का इंतखाब अल्लाह और नबी के लिए बड़ा मुश्किल होता है। नबी पेशन गोई जो करता है वो डेफिनेटली आसार बता, मैं बताऊं नबी का मकाम क्या है, जो न होने वाला हो नबी कह दे हो जा तो हो जाएगा। हाँ जी, चूंकि टाइम कम है, आखिरी ब्रेक है, इसलिए वंस अगैन हम इसमें इस सिचुएशन में दोबारा एंगेज होंगे। आपसे शुरू करते हैं, व्हाट डू यू वांट टू से फाइनल वर्ड्स, वेरी क्विकली 30 सेकंड्स। मैंने जापान से स्टार्ट लिया था और अभी भी यही कहूंगा कि जुज्वी तौर पे कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है, और 2012 में जुज्वी तौर पे कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है, और इसको इसके अलावा मैं सब रिजेक्ट करता हूं। मुझे ये समझ नहीं आती हो सकता वाला लफ्ज क्यों इस्तेमाल करते हैं, जब इनके पास कागजात सामने रखे हुए हैं, लकीरें उसमें डली हुई हैं, निशानियां उसमें नजर आ रही हैं, क्योंकि मैं बहसियत मुस्लिम भी एज ए मुस्लिम इंसान भी हूँ, मुस्लिम भी हूँ मैं, 21 दिसंबर ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं रिजेक्ट करता हूँ आपके सामने। फिर फिक्र हो सकता है, फिर रिजेक्ट कर दिया, थोड़ा सा डर गया था, वो मखलूक ही नहीं है जो सत्ता पे न चलता हो, वो फिर खालिक ही है जो कहेगा वो होगा। मैं यहाँ शुरू होता हूँ, ताला लगा ये बहस है, यही एक खौफ था, यही एक खौफ था, देखिए इसको मैं आज दूर करके फिर वापस अपने कल के बयान पे आता हूँ। एक खौफ आ गया था जहन में मेरे कि कल कहीं लोग मुझे मुसलमान से मायान न कहना शुरू कर दें, मुसलमान भी रहना है, मायान के इल्म को भी मानना है, जैसे अभी सत्ता वाली बात है, मैं कहता हूँ होगा, एक मिनट
मैं इसको क्लियर कर दूं, क्लियर कर दूं, क्योंकि अब ये कप मैं तोड़ूंगा। नहीं, 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 अगर 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 ये खौफ मैं दोबारा से एक मिनट साइलेंस साइलेंस माया के इल्म को मानता हूं मुझे नूरी मैं दोबारा से क्लियर कर रहा हूं 21 दिसंबर 2012 2012 क्या जुज़्वी कयामत आ सकती है? आएगी, नहीं होगा ऐसा, क्या मतलब आएगी? उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया, आएगी करवा दिया। अच्छा, मैं असल में ये हो सकता का मकसद है कि अभी तक इनको अपने इल्म पे शक है। मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने, देखे मैं एस्ट्रोलॉजर मुसलमान भी हूँ, इसलिए मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ। अच्छा, आप दोनों में कहीं कोई जाती रंजिश तो नहीं? बिल्कुल नहीं, 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 लग रहा। हमारी पहली बार मुलाकात आपके प्रोग्राम में हुई है। वो इल्म ही क्या जो तशकीक का शिकार हो गया? ठीक है, कोई जाती रंजिश, इल्म तशकीक का शिकार नहीं होना चाहिए। देखिए, सीधी सी बात है, इल्म के दौर पे मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं जानता, मेरा इल्म कुछ और है, मैं उस पर काम करता हूँ, मगर जो मैं बात कहता हूँ उस पर मैं कायम रह जाता हूँ कि हाँ मैंने ये कहा है। ठीक है, उससे पहले हम मुसलमान भी हैं, ये भी मुसलमान का होना क्या मुसलमान भी हैं, और क्या मकसद है कि शक करें? मुसलमान होते हैं, इल्म ना माने, हम मुसलमान माने, हम हर इल्म को मानते हैं, इल्म हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े, मुसलमान होने की दो तफरीक तो करते होंगे, एक इल्म इंसानी है, एक इल्म इलाही है, बस। इल्म इंसानी में हमेशा चेंज की गुंजाइश होती है। अब उसी चेंज की मैं बात बता रहा हूँ आपको, निर्मला देवी ने अभी एक डेट दी है, फरवरी 21 है 2013। अच्छा। अब बात यह है कि ये आपका एक सेकंड यहाँ पर साइलेंस ब्रेक ली। निर्मला देवी ने 2013 21 फरवरी किस चीज की डेट दी? यही कयामत हो रहा। यहाँ पर रोकते हैं, हम कल यहीं से शुरू करेंगे, यहां पर हम रोक रहे हैं। सईद गनी के गिफ्ट बास्केट हम आपको देने जा रहे हैं, हर वो कॉल जो हमें आई है उसको हम सईद गनी का गिफ्ट बास्केट देने जा रहे हैं, साथ साथ 10 बेहतरीन मैसेजेस को, जिन्होंने सबसे ज्यादा मैसेजेस किए हैं उनको फूड फैक्ट्री, और 10 बेहतरीन मैसेजेस को हम देने जा रहे हैं सईद गनी की तरफ से बास्केट। वंस अगेन बहुत शुक्रिया आपका देखने का। एक नई डेट इमर्ज हो रही है इस पूरे डिस्कशन में, एक नई डेट इमर्ज हो रही है। मैंने सोचा था कि मैं बहुत कुछ बोलूंगा, लेकिन एक नई डेट इमर्ज हो रही है, और नई डेट जो है वो है 21 फरवरी 2013 21 का हिंसा कस्प में आता है 3 महीने बाद। नेवर नो, कयामत 21 दिसंबर 2012 को आएगी या एक नई डेट आई है, निर्मला देवी कौन है, उसने ये बात क्यों कही है, इसका हमारे शो से ताल्लुक क्या है, हम बात करेंगे कल फ्राइडे से पहले पहले ये साबित हो जाएगा, या कम से कम हम आपको इतनी इंफॉर्मेशन जरूर दे देंगे कि आप डिसाइड कर सकें कि अगर कयामत आती है तो उस सिलसिले में हमें करना क्या चाहिए। जुज़्वी कयामत आएगी, निशानियां जाहिर हो चुकी हैं, कुछ जाहिर होना बाकी हैं, मजहब कहता है कि बड़ी निशानियां अभी जाहिर नहीं हुई हैं, क्रिश्चियनिटी कहती है बड़ी निशानियां अभी जाहिर नहीं हुई हैं, लेकिन छोटी निशानियां जाहिर हैं। मायंस कहते हैं तमाम चीजें आपके सामने हैं, फैसला आप कीजिएगा, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि हमारे पास नॉलेज जरूर हो, इंफॉर्मेशन जरूर। छोटा सा एक ब्रेक आपके और मेरे दरमियान आएगा 24 घंटों का, 24 घंटों में अगर कयामत आ गई तो आई लव यू, टिल देन खुदा हाफिज। क्या हम 2013 का सूरज नहीं देखेंगे? इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे दस तक के बाद कुछ साहिर।